नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टार में। तो आज हम बात करेंगे जो यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड की जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो एग्ज़ाम के लिए जो सेंटर की जो लिस्ट है, किस ज़िले में कितने परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, उससे संबंधित जो परीक्षा केंद्रों की फाइनल लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। तो या तो हम उसे ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं या फिर हम एक दूसरी वेबसाइट है उस पर जाके देख सकते हैं। तो आप जो है यूपी बोर्ड इन्फो आप टाइप करेंगे या फिर आप upboardinfo.in ये वेबसाइट है, मैं आपको बता देता हूँ, ये वेबसाइट है upboardinfo.in। आप देख पा रहे हैं upboardinfo.in। इस वेबसाइट पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की सामग्री उपलब्ध है और यूपी बोर्ड से संबंधित सारी न्यूज यहाँ पर आपको अपडेटेड मिलती है। तो चलिए हम इसको जो है गूगल में सर्च ना करके डायरेक्ट ब्राउजर में सर्च करते हैं upboardinfo.in। तो चलिए अब जैसे हम यहाँ पर खोलते हैं तो यहाँ पर देखिए रीसेंट जो पोस्ट है इसमें आपको दिख जाएगी यूपी बोर्ड सेंटर लिस्ट 2021, यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की फाइनल लिस्ट। तो चलिए इस पोस्ट को हम क्लिक करते हैं। तो जैसे हम इस पोस्ट को क्लिक करेंगे तो ये एक पोस्ट ओपन होके आती है। देखिए इसमें जो है यूपी बोर्ड, इसमें इसके बारे में लिखा हुआ है 27 फरवरी को जो है यूपी बोर्ड में 2021 के लिए जो फाइनल लिस्ट है वो जारी हो चुकी है और यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए ये सूची आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश की सूची मिल सकती है और अगर आपको अपने ज़िले की देखनी है तो आप यहाँ से अपने ज़िले के बारे में देख लीजिए, आपके ज़िले का नाम कहाँ है उसके सामने उसकी सेंट्रल लिस्ट दी गई होगी। चलिए जैसे अब मेरे पास आगरा जिला है सबसे ऊपर, तो मैं इसकी सेंटर की लिस्ट देखता हूँ। यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं तो जैसे जो आगरा जिला की जो है उसी पर हम क्लिक कर देते हैं तो ये डाउनलोड हो जाएगी और जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी तो डाउनलोड होने के बाद वो इस प्रकार से दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है सेंटर कोड, यानी विद्यालय का कोड है और उसका नाम है, ये स्कूल का नाम है, कितने बच्चे आए हैं, फीमेल और मेल कितने आए हैं वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये कितने विद्यालय पूरे सेंटर जो है पूरे आगरा के जितने सेंटर यहाँ पर बनाए हुए हैं आप देख पा रहे हैं 112 पेज हैं इस जो PDF जो डाउनलोड होगी इसमें। अब आप देखिए अगर हम किसी भी विद्यालय की बात करते हैं तो जैसे ये है ज्ञान भारती गर्ल्स इंटर कॉलेज, ठीक है, आगरा, इसमें ये हाई स्कूल के बच्चे हैं और यहाँ पर जो है कुछ बच्चे इंटर के भी हैं इसमें 195। और किन किन विद्यालयों का सेंटर आया है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से यदि आपके विद्यालय आसपास का जो भी विद्यालय है आपको उसमें देखने हैं कि कितने विद्यालयों का सेंटर हमारे विद्यालय में पड़ा हुआ है या फिर कितने हमारे जो बच्चे का सेंटर है वो कहाँ पर गया हुआ है, तो आप इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं। चलिए अगर हम किसी विद्यालय की बात करते हैं, जैसे मान के चलते हैं इसी विद्यालय की बात करते हैं, जैसे ये देखिए 1564 है और विद्यालय का नाम है जय धनौला माँ इंटर कॉलेज पूरा भगतू धनौला कला आगरा। इसकी बात करते हैं तो देखिए ध्यान से इसमें ये हाई स्कूल के हैं बच्चे हैं, सरस्वती ज्ञान मंदिर फतेहाबाद, गोमती इंटर कॉलेज आगरा और HD इंटर कॉलेज गढ़ी बलदेव, दुर्गावती इंटर कॉलेज धिमश्री। अब यहाँ पर आप देखिए जैसे सरस्वती ज्ञान मंदिर है इसके 1 से 2 मेल है, अर्थात इसके 102 लड़के हैं और इसके बाद में 67 लड़के M लिखा हुआ है, यानी लड़के 67 लड़के हैं गोमती इंटर कॉलेज के। इसके बाद में HD इंटर कॉलेज गढ़ी बलदेव के 74 M यानी लड़के हैं, 28 लड़के हैं दुर्गावती इंटर कॉलेज के और 65 लड़कियाँ हैं भगवती देवी इंटर कॉलेज इरादत नगर की। इसके बाद जय धनौला माँ इंटर कॉलेज, ये खुद की इनकी 15 लड़कियां हैं, कक्षा 10 में 15 लड़कियां इनके खुद की हैं। और आगे देखिए PT हुकम सिंह चंद्र रेहा पिनाट, इसके 22 लड़कियां हैं, 22 फीमेल हैं। इसी प्रकार 25 लड़के
26 लड़के 25 लड़कियां, ये और अभी हाई स्कूल के और भी बच्चे हैं, देखिए यहाँ पर जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, किसी में 44 लड़के हैं, 56 34 43 16 60 4 32 1, ठीक है, इस प्रकार से अभी हाई स्कूल के कुल मिला के यहाँ पर टोटल दिया गया है 1108 लड़के हैं, कक्षा 10 के 1108 लड़के हैं। वहीं इसी स्कूल में इंटर का भी सेंटर बना हुआ है, सरस्वती ज्ञान मंदिर के 152 लड़के आप देख पा रहे हैं, ठाकुर पीएस इंटर कॉलेज नया बांस के 162 लड़के हैं, इसके बाद में एचडी इंटर कॉलेज के 114 लड़के हैं, भगवती देवी इंटर कॉलेज के 94 लड़कियां हैं, रामजी लाल इंटर कॉलेज धिमश्री फतेहाबाद आगरा के 92 लड़के हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर टोटल 797 लड़के और लड़कियों का सेंटर यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब आप यहाँ देखें, यहाँ स्कूल जितने भी स्कूल का सेंटर यहाँ पर आया हुआ है उन सब स्कूलों का नाम यहाँ पर दिया गया है और उस स्कूल का यहाँ पर कोड भी दिया गया है जो विद्यालय कोड होता है। इसके बाद में आप किसी भी दूसरे सेंटर की, जैसे 1574 बीडी इंटर कॉलेज नरीपुरा जगनेर रोड आगरा, इसमें भी हाई स्कूल के इतने बच्चे हैं आप देख पा रहे हैं, हाई स्कूल के इसमें जो है 651 बच्चे हैं और इंटर के 586 बच्चे हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने जो भी आपका जिला है, जैसे इसमें और जिले दिए गए हैं, जो भी जिला है उन जिले के सामने आपके सेंटर की लिस्ट दी गई है, आप वहां से जाकर के अपने जिले के, अपने गांव के और अपने आसपास के सेंटर की लिस्ट चेक कर सकते हैं और आपके विद्यालय में कितने बच्चों का सेंटर पड़ा हुआ है वो आप यहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हैं। तो आपको ये वेबसाइट कैसी लगी, upboardinfo.in, इस पर और भी कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिसमें यूपी बोर्ड बुक्स सॉल्यूशन, एमपी बोर्ड बुक्स, ठीक है, लेटेस्ट जॉब की जानकारी और इसमें भूलेख की जानकारी भी मिलती है। तो इसमें आपको कक्षा 10 और 12 से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए वो मिल सकती है, ठीक है, और इसमें जो है ये आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, वो सब आपको इस वेबसाइट पर मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली पोस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।